नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। नैनवा उपखंड में जारी पंचायत आम चुनाव 2020 में रिटर्निंग अधिकारी राज लावता की हट दर्पिता का नजारा देखने को मिला। रजलावता पंचायत में एक सरपंच पद के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए साथ ही एक ग्रामीण द्वारा लिखित शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दी गई, जिसमें सरपंच पद के प्रत्याशी रामस्वरूप नागर के व उनके पत्नी के रजलावता के साथ ही जयपुर में रहने और चुनाव लिस्ट में होना पाया गया, परंतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना लिखित सूचना उच्च चुनाव अधिकारी को दिए ही शिकायत को खारिज करते हुए मान्य कर दिया। मामला प्रकाश में आने पर हमारी टीम ने रिटर्निंग अधिकारी रामलाल मीणा से मामले की जानकारी ली, जिस पर दबाव देते हुए उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए फोन के माध्यम से सूचित किया था और उनके निर्देशों की पालना की गई थी। इस पर डबल वोटर आईडी होने के बाद पर उन्होंने सकपकाते हुए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होना और ट्रेनिंग में मिले निर्देशों का हवाला देते हुए गोलमोल कर दिया। शिकायतकर्ता ने लगाया मिलीभगत का आरोप। वहीं दूसरी ओर मामले के शिकायतकर्ता हनुमान मीणा ने अधिकारियों पर मिलीभगत करने हुए मान्य करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक कॉपी उपखंड अधिकारी व एक कॉपी जिला कलेक्टर को भी भेजी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव चिन्ह हुआ आवंटित। रिटर्निंग अधिकारी की ओर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त विवादित सरपंच प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। 17 से 21 जनवरी को सजेगा जयपुर में फिल्मों का संसार। सिने प्रेमियों के लिए यह जानना खास है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट और हनु रोज फाउंडेशन की ओर से आयोजित जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज 17 से 21 जनवरी को आइनॉक्स सिनेमा हॉल, जीटी सेंट्रल और होटल क्लार्क सामीर में होने जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल में इस वर्ष 98 देशों से 2411 फिल्में आई हैं, जिनमें 69 देशों की 240 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल एसएस द्वारा दोपहर के भोजन कार्यक्रम में दिल्ली में शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दिल्ली में मकर संक्रांति के अवसर पर एसएच द्वारा दोपहर के भोजन कार्यक्रम में शिरकत की तथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। पक्षी दूध डब्ल्यूसीओ ने पक्षी बचाने के लिए कसी कमर। फुलेरा कस्बे के वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत संस्था डब्ल्यूसीओ ने मकर संक्रांति पर मांझे से घायल पक्षियों के लिए निःशुल्क पक्षी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यह शिविर 13 से 15 जनवरी तक नगर पालिका के सामने लगाया गया। सांबर पक्षी त्रासदी में पक्षियों की देखभाल में अहम भूमिका निभाने वाली संस्था डब्ल्यूसीओ के संस्थापक ओम प्रकाश उर्फ पिंटी व दिनेश यादव ने बताया कि मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से पक्षी ही नहीं इंसान भी घायल हो जाते हैं। 14 तारीख को शाम तक करीब 7 पक्षी घायल हुए, जिन्हें कैंप में लाया गया व उपचार किया गया, जिसमें 4 कबूतर, 1 मुर्गी, 1 चिड़िया व 1 फाख्ता घायल हुआ। टीम सदस्य सूरज, हेमंत, राजवीर, मोहित, जतिन, इन सब ने आसपास के क्षेत्र से पशु पक्षियों का रेस्क्यू किया और शिविर में इलाज किया। इस शिविर में पर्यावरण मित्र संस्था के धनराज शर्मा का भी अहम सहयोग रहा। कल शिवसेना राजस्थान में सर्वधर्म सेवा समिति कोटा के संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। कल 14 जनवरी 2020 को शिवसेना राजस्थान एवं सर्वधर्म सेवा समिति कोटा, जिसमें संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पदाधिकारी शिवसेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बजरंग लाल सोलंकी और महिला संभाग अध्यक्ष कौशल्य शर्मा व सर्वजन सेवा समिति के अध्यक्ष कन्हैया भदौरिया एवं अरविंद कन्हैया लाल जी एवं देवसेन एवं शिव सैनिकों समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।